कल देश की संसद में एक सवाल उठा और ये सवाल बहुत संवेदनशील था। कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। उसके दौरान जो सेकेंड वेव थी उसके दौरान चारों तरफ से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की तरफ से पेशेंट्स की तरफ से उनके अटेंडेंट्स की तरफ से परिवारों की तरफ से बहुत त्राही त्राही मची हुई थी और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक के दौरान। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस था देश में और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। दिल्ली में मैं ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देख रहा था, मैं सरकार में काम कर रहा था, मैं जानता हूं कि किस तरह से मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए थे हॉस्पिटल के चीफ के, उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स के, डॉक्टर्स के, अटेंडेंट्स के, परिवारों के, पेरेंट पेशेंट्स के कि साहब हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमारा आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, हमारे को ऑक्सीजन दीजिए नहीं तो हमारे यहाँ चार सरकारी अस्पतालों में मैं खुद खड़े होकर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। वो बंद कमरों में बैठ के बनाई गई नीतियां थी जिनकी वजह से पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चौपट हो गया। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। लेकिन कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, और आज उस बेशर्मी को और अंडरलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जैसी उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। आखिर उसने मैनेज सो कॉल्ड 13 अप्रैल को जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट शुरू किया था ऑक्सीजन का, जिसके बाद सब कुछ मैसअप हो गया था, उसकी जिम्मेदारी भी तो ले कि उस मैसअप की वजह से कितनी मौत हुई थी। उसकी जगह आप केजरीवाल जी को गाली दोगे तो उससे आपके पाप थोड़ी छिप जाएंगे। आप केजरीवाल जी को भर भर के गाली दोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठेंगे, बीजेपी के और सीनियर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठेंगे और केजरीवाल जी को मन भर के गालियां देंगे और उनको लगता है ये सारे उनके पाप छिप जाएंगे, छिपेंगे नहीं। सारा देश जानता है, इतिहास गवाह है, आज से 100 साल बाद भी इस बात की चर्चा होगी कि जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी केंद्र सरकार अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से इस देश को ऑक्सीजन के क्राइसिस में धकेल चुकी थी। 13 अप्रैल के बाद जो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उन्होंने पूरे देश में त्राही त्राही मचाई, नॉन बीजेपी राज्यों को सबको दुखी कर दिया। हम सब जानते हैं, मैं खुद बात कर रहा था कि किस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ है, कहां से कहां की ऑक्सीजन कहां भेज दी, कहां की ऑक्सीजन कहां भेज दी, किसी को दूर से दे दी, किसी को पास से दे दी, ये सारा मिसमैनेजमेंट कर दिया केंद्र सरकार ने उस दौरान। और जब दिल्ली सरकार ने ये जिम्मेदारी लेते हुए कि हां ऑक्सीजन से मौत हुई लगती है, हमें इस बात की जांच करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जिम्मेदारी लेते हुए सरकार अगर किसी परिवार के किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा लेगी और जिम्मेदारी लेगी और जिम्मेदारी फिक्स भी करेगी, तो केंद्र सरकार
पीछे हट गई, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के उस काम में रोड़े अटकाने लगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो एक एक मौत की जांच करेगी, ऑक्सीजन की कमी से हो रहे मौत के आरोपों की जांच करेगी और उसके बाद तय करेगी कि कहां किसकी गलती की वजह से जांच वहां ऑक्सीजन की कमी हुई। तो सब उनके सरकार को लगा कि इसमें तो हमारी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, हमने जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट किया है वो मिसमैनेजमेंट साबित हो जाएगा, डिजास्टर साबित हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी उसको बनाने नहीं दिया, उन्होंने एलजी से उसको रुकवा दिया। और मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, लगभग एक महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि केंद्र सरकार की मंशा दिल्ली सरकार की कमेटी को भंग करने के पीछे, उसको नहीं बना देने के पीछे यही है कि वो ऑक्सीजन की मौतों से हुए सच को छिपाना चाहती है। और आज वही कर रहे हैं ये लोग, देश की संसद में खड़े होकर साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर हिम्मत है और अगर आप सच पे पर्दा नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत में सही मायने में जांच हो और जिम्मेदारी तय हो, तो जो कमेटी राज्य सरकार बना रही थी दिल्ली की उसको बनाने दीजिए, हम जांच करवाएंगे। वो कमेटी इंडिपेंडेंट जांच करेगी और कमेटी इंडिपेंडेंट जांच करके बताएगी कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। आप कमेटी बनाने नहीं देते हो, आप जांच होने नहीं देते हो और आप कहते हो देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, हमें राज्य सरकारें भी कह रही हैं। आप आंकड़े सामने नहीं आने देते हो, फिर कहते हो आंकड़े नहीं है हमारे पास, आंकड़े नहीं दिए राज्य सरकारों ने। आप राज्य सरकार को आंकड़े जुटाने तो दो, दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार, इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, इस तरह से नहीं कि आप खड़े होकर कह दीजिए कि नहीं दिल्ली सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए, दीदी ने आंकड़े नहीं दिए, महाराष्ट्र ने आंकड़े नहीं दिए, झूठ मत बोलिए। आप आंकड़े इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं, आप आंकड़े जुटाने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े सामने आए तो केंद्र सरकार की बदइंतजामी और केंद्र सरकार ने इस बदइंतजामी से जो डिजास्टर पैदा किया ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो सब सामने आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी डर क्यों रहे, मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं संसद में, जब देश के लोग तड़प रहे थे, जब परिवार तड़प रहे थे, उनकी तड़प मोदी जी को दिखाई नहीं देती। आपकी सरकार बेशर्मी से कह देती है जाके संसद में कि साहब देश में ऑक्सीजन की कोई मौत नहीं हुई, आपका दिल कैसे करता है मोदी जी ये कहने के लिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। सर बीजेपी जो है वो अब जैसा भी पाठ रहे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दी हॉस्पिटल की जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी जयपुर हॉस्पिटल की, उसमें साफ तौर पर आप लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हो। हम कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कमेटी नहीं बनाने दी और केंद्र सरकार में हमने पहले कहा था कि हम कमेटी बना के एक एक मौत की जांच करके देंगे। कोर्ट के कहने पे ही वो कमेटी बन रही थी जो केंद्र सरकार ने रखवाई है। आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी की सरकार पूरी की पूरी और उनकी पार्टी ऑक्सीजन की मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए कमेटी क्यों नहीं बना, उनको सामने लाने के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाने दे रही, छिपाना क्यों चाहती है। सर राज्य सरकार ने क्या कोई रिपोर्ट ऐसी दी है केंद्र सरकार को? राज्य सरकार तो कमेटी बनाएगी ना, उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी। तो आप लोगों ने कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी जिसमें मौत की ऑक्सीजन की कमी से? नहीं, अभी तो सरकार के पास भी कोई डेटा नहीं है, आज की तारीख में आप पूछोगे मेरे पास भी कोई डेटा नहीं है। लेकिन उन पेरेंट्स से पूछो ना जो रो रहे थे अस्पताल, पेशेंट से पूछो ना जो उनके अटेंडेंट से पूछो, उन परिवार के माओ से पूछो, बहनों से पूछो, महिलाएं कितने वीडियोस हैं, आप पत्रकार कितने सारे मैसेज भेज रहे थे कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, वहां लोग मर रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर्स ने मेरे पास में, उन डॉक्टर से पूछो जो रो रहे थे, अपने मरीजों को रोते रोते हुए देख रहे थे, उनसे पूछो। और उनसे पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर इंडिपेंडेंट जांच हो। थैंक यू।